सड़कें सुनसान है, पीएम का आह्वान है। जी हाँ, लॉकडाउन के तीसरे और चौथे दिन लगातार लोग घरों में नजर आए, सड़कें सुनसान दिखी, लेकिन बावजूद इसके जो जरूरतमंद लोग हैं वो सड़कों पर जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भागलपुर में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति अपनी फोर व्हीलर से दवाई लेने के लिए निकला, मगर पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि ऐसे में चूंकि पीएम का आह्वान है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, क्योंकि कोरोना के कहर से निजात पाने का एकमात्र विकल्प और उपाय यही है कि आप घरों में रहें, लेकिन चूंकि ज़रूरी काम की वजह से अगर किसी व्यक्ति को दवाई लाने की ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे में प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति किस मकसद से निकला है। फिलहाल ये तस्वीरें वीडियो भागलपुर की बताई जा रही है, जहाँ पर एक व्यक्ति अपने घर की दवाइयों को लेने के लिए निकला था, मगर पुलिस प्रशासन ने जमकर लाठियां चटकाई। हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही है कि पुलिस प्रशासन लगातार निवेदन कर रही है, हाथ जोड़कर खुद डीजीपी ये कह रहे हैं कि कृपया घरों में रहिए। तो हम भी एबी न्यूज़ की तरफ से आपसे अपील करते हैं कि यदि बहुत ज़रूरत ना हो तो आप घरों में रहें, क्योंकि ये मौका है 21 दिनों के लॉकडाउन का, ये मौका है कोरोना से जंग जीतने का। और इस जंग से जहाँ पूरा विश्व लड़ रहा है, भारत उस दहलीज पर खड़ा है जहाँ पर घर में रह के ही इस जंग से निजात दिलाई जा सकती है। इसलिए एहतियातन आप घरों में रहें और ज़्यादातर कोशिश करें कि बेवजह बाहर ना निकलें। सहयोगी पशुपति के साथ कुमार गौतम, एबी न्यूज़।